मिश्रा जी, आपने भी सुना होगा जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, हमारे जवानों को श्रेय जाता है कि ये जो ऑपरेशन रहा वो कामयाबी से आगे बढ़ा और उनकी तरफ से कहा गया है अब 3 से 4 फेजेस में मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। पहले एक मॉक ड्रिल की जाती है, उसके बाद फिर अंतिम फेज आता है। बिल्कुल, क्योंकि ये डायरेक्ट आप उनको लेटा करके निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि इसको जो है एनडीआरएफ के जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम दूसरी तरफ पहुंच चुकी है, एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए, वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है। उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा, आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली, सब सेफ है ये कंफर्मेशन आ गया था। तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर हो चुका है, रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। तो जैसे कि जानकारी दी जा रही है, शाम तक उम्मीद है कि सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। एनडीआरएफ की एक मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है, ये जानकारी इस वक्त हमें दी जा रही है। अब आर्मी ऑपरेशन में लगी है रेस्क्यू टीम। जैसे कि फेजेस के बारे में जानकारी दी जा रही थी, एनडीआरएफ की जो एक मॉक ड्रिल है उसे पूरा कर लिया गया है। ये अलग अलग चरणों में इसे अंजाम दिया जाता है और अब आर्मी ऑपरेशन में इसे लगाया गया है, इस पूरी टीम को। उम्मीद की जाना चाहिए कि अगले आधे घंटे में या एक घंटे में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। और एनडीएमए के हमारे साथ पूर्व सदस्य जुड़ रहे हैं, जेके बंसल सर इस वक्त निधि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर, फॉर्मर मेंबर हैं एनडीएमए के। बंसल सर, ये सुनना ही कितना बड़ा सुकून है इस वक्त, जब हमारे साथ ये ऑपरेशन में जो लोग थे उन्होंने बाहर आकर ये बताया कि सभी सेफ हैं। अब क्योंकि सारा काम पाइप लगाने का हो चुका है, इसलिए अब आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों ने टेक ओवर कर लिया है। देखिए, ये जो पहले ओगर मशीन जो अमेरिका की थी, उस ओगर मशीन को 3 बार फंसी, फिर 4थी बार जाके परमानेंट फंस गई। तो जैसे 3 बार पहले या 2 बार फंसने से पहले ही अगर ये आ जाते, जो हमारे मद्रास सैपर के जो जवान हैं इंजीनियर्स, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, इनको माइनिंग का एक्सपीरियंस है, माइंस ले आउट करते हैं और माइंस लगाते हैं युद्ध के मैदान में, पुल बनाते हैं, पुल तोड़ते हैं, तो इसलिए इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर जा करके उस मशीन को जो फंस गई थी वहाँ से, ओगर मशीन अमेरिका की, उसको काट करके प्लाज्मा कटर, और जो प्लाज्मा कटर से काट के बाहर निकाला, और फिर ये रेट माइनिंग से इसको खुदाई की गई है, जिससे कि आगे बढ़ा गया और अब हम बहुत नज़दीक हैं कि उससे निकाल करके फिर जो स्ट्रेचर हैं उनके ऊपर व्हील लगाया गया है, नीचे जो ऑलरेडी तैयार हैं व्हील के स्ट्रेचर, उनके ऊपर में मजदूरों को लिटा दिया जाएगा। और जो एनडीआरएफ के जवान हैं उन्होंने पहले से रिहर्सल की हुई है, वो उसको क्राउल करके, पुश करके, पुल करके ले आएंगे। तो एक बहुत सेफ तरीका है। और साहब, अगर आप थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकें जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, रैट माइनिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, रैट माइनिंग का मैं इस तरह से समझाऊं कि जब हम कोई ओगर मशीन चलाते हैं तो उसके सामने ब्लेड होता है, वो ब्लेड घूमता है और ब्लेड घूमने के साथ साथ में वो कट करता जाता है, और वो ब्लाइंड है, पता नहीं आगे क्या आ रहा है, उसके आगे कोई गडर है, वायर है, या उसके सामने कुछ सरिया है। जब रैट माइनिंग की बात आती है तो आँखों से देख करके उनके पास में हथियार हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, हथियार नहीं कहेंगे, टूल्स हैं, उन टूल्स से वो खुदाई करते रहते हैं, और खुदाई करके जो मिट्टी है उसको खींच करके बाहर निकाला गया है। आपने देखा होगा, एक रस्सी थी, उस रस्सी से बाहर निकालते रहे, और उससे जो है वो अगर कोई अवरोध आता था या कोई सरिया आया हुआ है तो उनके पास में जो प्लाज्मा कटर और जो मशीन्स हैं या वेल्डिंग की या जो लेज़र कटर हैं उनसे काट के निकाल करके इसको आगे बढ़ा गया। तो उसमें ऐसा, तो ये धीरे 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 धीरे, जैसे रैट का मतलब चूहा जो धीरे धीरे काटता है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा खोद करके और देखते हुए उसको करते रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये एक बड़ा
चीज को एकदम से ना आने के बाद में हमने समझा बंसल सर, लेकिन इस वक्त जैसे खबर आई है कि आर्मी और एनडीआरएफ टेक ओवर कर चुकी है, क्या इस पाइप से उन तक पहुंचने के लिए भी बकायदा एक मॉक ड्रिल की जा रही होगी, एक प्रोसेस देखा जा रहा हो कि कोई यहां से जाए आगे बढ़े, देखे कि ये पैसेज कितना सेफ और सिक्योर है उन सभी को एक एक कर लाने के लिए? बिल्कुल, मॉक ड्रिल की जा रही थी, जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मॉक ड्रिल जो पाइप रखे हुए हैं बाहर उसी साइज के, जो अभी करीब ये 30 इंच का है, 36 इंच का जो पाइप है। सर माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि वहाँ ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट आ रहा है तेजी से। एक बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं, फिर शिवांग माथुर हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं टनल रेस्क्यू पर। इस वक्त के चार बड़े अपडेट आप जान लीजिए, चार बड़े अपडेट। पहली खबर है आर्मी ऑपरेशन में अब जुटे हुए हैं जवान, या आर्मी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी खबर एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल पूरी हो गई है, मॉक ड्रिल कर ली गई है। तीसरी खबर जो इस वक्त है, इस वक्त बड़ी खबर है, सीएम धामी खुद टनल के अंदर इस वक्त जायजा ले रहे हैं, पूरी समीक्षा कर रहे हैं। और चौथी खबर डॉक्टर की टीम टनल साइट पर इस वक्त मौजूद है। शिवांग माथुर के पास कुछ अपडेट और है। जी शिवांग बताइए। देखिए कुछ ही मिनटों का और इंतजार है, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर्स की टीम तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं टनल के भीतर। परिवार के लोग भी बिल्कुल टनल के द्वार पे ही खड़े हुए हैं। जैसे ही 41 श्रमिकों को बाहर लेके आया जाएगा उसी तरीके से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। ये एरियल व्यू तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ आपको तमाम एम्बुलेंसेज, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, परिवार के लोग, ग्रामीण लोग और यहाँ जो जितनी भी भीड़ भड़का है वो सब आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। टनल की सीधे तस्वीरें आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, सिलक्यारा टनल की, जो 4.5 किलोमीटर टनल का काम चल रहा था और ये काम रुक गया क्योंकि मलबा गिर गया। 41 मजदूर मलबे के पीछे फंसे हुए हैं और ये जितने भी मजदूर हैं ये कुछ क्षणों के अंदर बाहर आएंगे। इन एम्बुलेंसेस के अंदर इनको लेके चिड़ियाड़ी सौर जाया जाएगा, जो यहां से करीब 35 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 घंटे का समय इसके बीच लगेगा। रास्ते में किसी तरह की समस्या ना हो इसीलिए उनको जो मेडिकल असिस्टेंस है वो एम्बुलेंस के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सभी लोगों को बेचैनी इस बात की है कि कितनी देर में ये लोग 41 श्रमिक जो हैं वो निकल के बाहर आ पाते हैं। एनडीआरएफ ने अपने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है, सुचारू रूप से ऑपरेशन चल रहा है, इस तरह की जानकारी हमें निकल के सामने आई है। कुछ क्षण का और इंतजार, उसके बाद जिस सकारात्मक खबर की बात हम पिछले कई घंटों से कर रहे हैं निश्चित तौर पे वो यहां से निकल के आएगी। हालांकि शिवांग सीएम धामी की मौजूदगी में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया आगे क्या करना है इसको लेकर फैसला लिया जा रहा है,